स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढ़ौरा नदी क्षेत्र पर आए हुए हैं। सुबह जब लगभग 5 बजे एकदम से तेज बरसात आई तो एकदम से लोगों के हाथ पांव फूल गए। किन लोगों के हाथ पांव फूले होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। वो लोग हैं सनातन धर्म एरिया के आसपास रहने वाले लोग, वे लोग हैं नई टोली के क्षेत्र में रहने वाले लोग, वे लोग हैं शिव कॉलोनी सढ़ौरा के अंदर रहने वाले लोग हैं वो नदी क्षेत्र सढ़ौरा के आसपास रहने वाले लोग, समता योग आश्रम के आसपास रहने वाले के लोग, उनके हाथ पाँव अचानक फूले कि ये बरसात अगर पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, घाट क्षेत्र में हो रही होगी तो यकीनन आज फिर उनके घरों में पानी डूबेगा, आज फिर उनका भारी नुकसान होगा। लेकिन पानी आया जरूर, लेकिन इतना नहीं आया कि वो शहर में घुसा। आप देख सकते हैं सढ़ौरा नदी पर आए, नदी का बहाव पूरी तेजी से आ रहा है और उस कटाव के ऊपर भी खड़ा जो काटा गया है और लगभग लेवल यहाँ पर बराबर है, बराबर लेवल पर यहाँ पर नदी आई हुई है और पानी बस यहाँ से गुजर रहा है। अगर थोड़ा सा पानी और आ जाए तो यहाँ से लेवल से ये शहर के अंदर यहाँ से घुसेगा। ये डेहा बस्ती है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ कहते हैं हम लाल डोरे की ज़मीन में हैं और कुछ तो अवैध कब्जों करके यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो यहाँ उनका डूबना एक बार फिर तय होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर लेवल बिल्कुल लेवल पर है पानी, यानी दोनों बराबर हो गए पानी, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। हाँ, अगर थोड़ी सी नदी और आती है तो ज़रूर ये लेवल से पानी इधर शहर की तरफ बढ़ेगा, डाउन होती है तो फिर शहर का पानी इस लेवल से वापस नदी की तरफ आ गया। तो नदी तो लबालब भरी हुई आ रही है, चारों तरफ से एक विराट रूप में है, लेकिन इतना नहीं है कि ये पानी शहर के अंदर प्रवेश करे। नदी के दूसरे क्षेत्र में जो खेत हैं, रोजापीर का इलाके हमें नज़र आ रहा है, रविदास जी का मंदिर नज़र आ रहा है और खेत खलियान जो है वो पूरी तरह से पानी से अभी उभरे भी नहीं थे अभी पिछली बरसात से, लेकिन फिर वो दोबारे से डूब गए हैं। लेकिन परमात्मा का शुक्र रहा कि इतना पानी नहीं आया कि शहर के अंदर नव टोली शिव कॉलोनी की तरफ सनातन धर्म मंदिर की तरफ पानी आए। लेकिन अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि शायद पहाड़ी क्षेत्र में बरसात हो तो वो पानी आ सकता है। तो अब हम आपको सढ़ौरा नदी के नए पुल की तरफ ले चलते हैं और उसके बाद शमशान घाट के पुल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ की पोजिशन क्या है वो हम देखेंगे। सढ़ौरा नदी के नए पुल पर यहाँ पर भी लगातार लोग आकर देख रहे हैं, खासकर नई टोली के लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई क्या पोजिशन है। डर भी सच्चा है उनका, क्या कुछ उनके साथ हुआ ये सभी जानते हैं। तो मैं उसी कटाव के ऊपर आया और दूसरा जिसको काटा गया था, यहाँ पर कमोबेश वही स्थिति है जो दूसरे कटाव पे, बराबर पानी, बस यहाँ से धक्का से ये पानी जो शहर की तरफ है ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सढ़ौरा का नदी का पानी इतना है कि इसको निकलने नहीं दे रहा है। अगर लेवल नदी का कम होगा तब जाके ये पानी निकलेगा, फिलहाल तो ये रुक गया। बस धक्का मुक्की आपस में हो जरूर रही है, थोड़ा सा भी लेवल अगर डाउन होगा सढ़ौरा नदी का तो ये पानी, शहर का पानी जो शमशान घाट के एरिया का पानी है जो नई टोली की ओर से प्रवेश करता है, ये पानी वापस नदी में लौट जाएगा। फिलहाल तो खैर नदी में दबादब पानी, लबालब पानी भरा हुआ है। दूर तक नज़र डालें इधर समैलपुर के रोड तक, ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये पानी ही पानी। जिन खेतों का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा था पिछली बरसात के कारण से, वो पानी दोबारे से फिर यहाँ पर चढ़ गया है और पानी काफ़ी है, लेकिन इतना नहीं है कि अभी वापस सढ़ौरा की तरफ रुक करे। अगर थोड़ी सी भी बरसात और ज़्यादा होती तो आज फिर एक बार इन तीन मोहल्ले का, नई टोली, सनातन धर्म एरिया और साथ ही शिव कॉलोनी का डूबना एक बार फिर तय था। भगवान ऐसा ना करे, हम तो ये प्रार्थना करते हैं। बड़ी दिक्कतों का सामना हमारे इन भाई बहनों ने किया है और अभी तक भी वो पिछले जख्म अभी तक नहीं सूखे हैं, अब दोबारे से हरे ना हों, वो पूरी तरह से भर जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी ट्रेजेडी द्वारा ना हो और प्रशासन को भी चाहिए इसकी स्थायी व्यवस्था वो करे। देख सकते हैं फिलहाल तो ये तटबंध जो है टूटा हुआ। चले अब चलते हैं हम लोग शमशान घाट के एरिया, बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत पानी अब वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको जाके देख। किसानों की तिरंगा यात्रा आज 15 अगस्त पर जो यात्रा नई अनाज मंडी से आरंभ होनी थी वो आरंभ होकर सढ़ौरा कोटला रोड पर जो है चढ़ चुकी है। देख सकते हैं तिरंगा यात्रा, तिरंगे भी हैं, साथ ही किसान यूनियन जो कि भगत सिंह ग्रुप है, भगत सिंह के नाम से वो लगे हुए हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर इसमें हैं, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जा रहे हैं। एक देशभक्ति का जज्बा, साथ ही अपनी मांग को सरकार के तरह रखने का आज का दिन इन्होंने चुना। किसानों में भी हर वर्ग समुदाय के लोग हैं, ये बढ़ रहे हैं, शुरू से आखिर तक तिरंगे फहराते हुए, साथ ही भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह ग्रुप इसका जो है वो भी झंडा लेकर ये कर रहे हैं। आगे भी पुलिस और पीछे भी पुलिस जो है
देशभक्ति के गाने ट्रैक्टरों पर चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर यात्रा लगातार चल रही है, देख सकते हैं। और अपनी मांग को आज का दिन इन्होंने चुना, साथ ही तिरंगे को लहराया, अच्छा भी कह सकते हैं है कि किसानों में भी देशभक्ति की भावना है और पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है। अब रामबाग चौक पर मैं आया हूँ और अभी थोड़ी देर पहले से ही अपने विद्यालय से मैं सढ़ोरा आया था, तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं था, लेकिन देखते देखते यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। अभी तो खैर साधन यहाँ से गुजर रहे हैं, बाइक सवार भी आ रहे हैं, तो ऐसी पोजीशन भी कुछ दिन पहले आई थी कि पानी पूरी लबालब आ गया था और बाइक सवार कार सवार सबको रुकना पड़ गया था, और कई घंटों के बाद यहाँ से वो वापस गुजरे और दो दिन के बाद यहाँ से पानी उतरा था। और अगर मैं इधर शिव कॉलोनी, जिसका मैं पहले से आपको कई बार बता चुका हूँ, देखें तो वो भी पानी से, तो वो तो खैर लबालब हो गई है। नई टोली और सनातन धर्म मंदिर तो खैर बचे, लेकिन शिव कॉलोनी एक बार फिर पानी से लबालब हो गई है। गलियाँ तो डूब गई हैं और जहाँ तक अनुमान है कि घरों में भी पानी प्रवेश कर गया होगा। ये इलाका शिव कॉलोनी का एरिया है और ये बाईपास सढ़ोरा जो बाबा बंदर सिंह बहादुर गुरुद्वारे की तरफ से रास्ता जाते हैं, वो पूरी तरह से एक बार फिर से डूब गया है। तो पानी का भाव समझ ले, क्या सकते हैं, देख सकते हैं कार की पोजीशन को, हम समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत से यहाँ से फिर ये कार यहाँ से निकली है। ये देखिए वाहन चालक मशक्कत करने के बाद यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पानी कम भी नहीं आया, लेकिन इतना नहीं आया कि वह पानी आगे बढ़कर नई टोली और सनातन धर्म मंदिर की तरफ प्रवेश करें। कई रास्ते बन चुके हैं इस यहाँ से नई टोली और सनातन धर्म मंदिर के तरफ जाने के लिए, एक रास्ता तो यही सड़क पार करके जो है यहाँ से राम जानकी मंदिर है, राम जी का मंदिर है, यहाँ से पानी आगे प्रवेश करता है, और एक यहाँ से जो कार वॉशिंग सेंटर है थोड़ा आगे चलकर वहाँ से गुजरता है, तो ये पानी जो आज अभी तक यहाँ पर है ये पानी आगे बढ़ता है तो फिर शहर की तरफ वो प्रवेश करेगा। तो फिलहाल तो खैर पानी ये यहीं तक आया हुआ है, आवागमन थोड़ा सा बाधित जरूर है, लेकिन इतना नहीं है कि वो गुजर ना सकें। तो प्रभु से ये प्रार्थना कि इतना भी ना करें कि ये पानी फिर आगे बढ़ जाए, फिर लोगों को उसी प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर पहले से ही इंजन जो लगा कर ये पानी को निकालने का असफल प्रयास किया गया था, तो पानी की निकासी काफ़ी हो गई थी, इस कारण से पानी चला गया था। तो अभी थोड़ी ही बरसात कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि पानी शहर की तरफ प्रवेश करता, ये एक बचाव ही हो गया है, लेकिन सांस बरसात पूरी होने के बाद ही तक वो फूली रहेगी। सनातन धर्म मंदिर का एरिया लोगों की, नई टोली वालों की, और ये शिव कॉलोनी तो खैर आज ही पानी में, उनका तो आज ही दिक्कत आ गई, तो उनके तो लगातार ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो उस घड़ी को कोसते होंगे कि जिस घड़ी में उन्होंने इस एरिया में मकान बनाने का निर्णय लिया था, तो ज़रूर पश्चाताप करेंगे। और बता रहे हैं कुछ लोग तो यहाँ से छोड़ भी चुके हैं और छोड़ने की पलायन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो प्रशासन को इस ओर जो है कदम उठाते हुए स्थायी समाधान करना चाहिए। ये देखिए हमारे साथी आए हुए हैं, वाह जी वाह संजीव कुमार जी, तो देख सकते हैं काफ़ी दिक्कत अभी भी लोगों को हो रही है पानी के आने से, और यहाँ के आसपास की दुकानें, शमशान घाट भी पानी में डूब गया है और यहाँ आसपास की दुकानों में पानी आ चुका है। तो फिलहाल तो ये थी एक रिपोर्ट स्टेट न्यूज़।